मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। अब उनको जब डर लगता है ना, तब अपन बहुत मारता है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, नॉर्थ बेल्ट की मोस्ट मच अवेटेड मूवी गणपत, जिसका ट्रेलर आ चुका है। भाई साहब बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है, मुझे मज़ा आ गया भाई को। लेकिन टीजर इतना प्रॉमिसिंग नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ टीजर की मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मतलब टीजर था, टीजर पसंद आया था, लेकिन मैंने एक आध जगह थोड़ा सा कमी निकाल दी थी, उसके लिए मुझे गाली भी मिली थी। लेकिन ट्रेलर में मैं कहूँगा भाई गॉड बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। क्योंकि डिस्टोपियन एरा की ये जो शुरुआत इन्होंने रखी है, जो नींव इन्होंने रखी है, ज़बरदस्त रखी है। मतलब बॉलीवुड की कोई मूवी इस हद तक जा सकती है, और जबकि इसका बजट देखा जाए तो इतना ज़बरदस्त भी नहीं है, इतना हाई फाई बजट नहीं है, लेकिन इतने बजट में भी ये इतनी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं, इतना प्रॉमिसिंग वे में दिखा रहे हैं कि यस तुम अगर थिएटर जाओगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। देखो अ हीरो इज बॉर्न वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने अगर डीसी की एक कंपैरिजन करते हैं, एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, अगर डीसी की मोस्ट मच अवेटेड मूवी द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम देखी है, उसमें अपना हीरो सुपर हीरो है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, बट अपने हीरो के पास सुपर पावर्स नहीं है, ये नेचुरल हीरो है। लेकिन वहाँ से का कॉन्सेप्ट बनता है कि उसको कांदाख में क्या करने था, चैंपियन का रूप में जाना जा रहा था, उसे चैंपियन बोला जा रहा था, हिंदी में मसीहा बोला जा रहा था, जो एक लोकेलिटी पे उस देश पर जो टेरर ग्रुप ने कब्जा कर रखा था उनको छुड़ाने के लिए उसका इजाद हुआ था। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है टाइगर सौरभ का, बट यहाँ ये हीरो है, ये भी मसीहा है, तो बस वही जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। इससे आगे बात नहीं करेंगे, इससे आगे हम मूवी में देखेंगे क्या होने वाला है। पहले तो ये कहूँगा कि टीजर ना इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था, बट ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है। यस, नॉर्थ बेल्ट में लियो को खा जाएगा, ये डेफिनेटली खा जाएगा। हिंदी बेल्ट में किसी की नहीं चलने देने वाला है गणपत अपने टाइम पर। अपने हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा इंटरवल तक, जो गुड्डू भैया हैं, अरे ये वाले नहीं यार, ये बहुत गाली देते हैं, ये वाले जो गणपत एक वॉरियर के रूप में जाना जाएगा, कैसे ये एक नीचे से आएगा, नीचे से बॉटम से उठ के आएगा और अपना हीरो अपने लोकेलिटी के लिए, मतलब अपने गरीब भाइयों के लिए लड़ने वाला है, उनको रिप्रेजेंट करने वाला है, वही चीज़ इनमें देखने को मिलने वाली है, जो ज़बरदस्त लग रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत कुछ मिलने वाला है मूवी में। अमीरी गरीबी की लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है, मतलब अमीरों की दुनिया अलग, गरीबों की दुनिया अलग। अगर आपने ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा है तो कि जो गरीबों वाली दुनिया है वो बस्ती नुक्कड़ वाला जो इस हमें देखने को मिल रहा है, टीन टान आपने देखी भी होगी, टीन वाले घर हैं। लेकिन जो दूसरी है अमीरों की, वहां पर एकदम टिप टॉप, बिल्कुल हाई फाई वीएफएक्स का, मतलब फुल अच्छा इस्तेमाल कर रखा है। तो अपना हीरो क्या करेगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, बैटल फाइट करते करते आगे निकलेगा, जो ट्रेलर में भी देखकर पता लग रहा है, गरीबों के हक को रिप्रेजेंट करेगा, उनके लिए लड़ने वाला है। एक मूव पे ध्यान दिया है, वो रजनीकांत वाला मूव करके रखा है और वो ज़बरदस्त लगा, जो ऐसे हाथ में उछाल के अब से खाने वाला सीन, वो ज़बरदस्त लगा। कृति सनन इज अमेजिंग, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सेकेंड लीड का भी जो सपोर्टिंग रोल होने वाला है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पर इनको सिर्फ रोमेंस के लिए नहीं रखा गया है, इनको यहाँ पर एक बैटल फाइट करते भी दिखाया गया है, उसका मतलब सिंगल कॉम्बेट में उसका भी अच्छा खासा रोल होने वाला है कृति सनन का। एक्शन में मजा आ जाएगा दोनों की तरफ से। दूसरा, एक्शन के साथ साथ हमें रोमांस का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। यस, यही चीज़ है ना बॉलीवुड की, हमारी यही खासियत है कि भैया रोमांस हमारे मूवियों से कभी निकलेगा नहीं, और अगर ये निकल गया तो बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं रहेगा। और यही चीज़ मस्त भी लगी, देखो डिस्टोपियन एरा है, बहुत सी जगह पर इस चीज़ को हमने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी, तवज्जो नहीं दी जाती है इस चीज़ को, रोमांटिक लव स्टोरी, बट इसमें दी जाएगी। तो यही चीज़ दमदार भी है, जो इसका कॉम्बो बन के आएगा ज़बरदस्त आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ना, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, मूवी को देखने के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है ये। बाकी वीएफएक्स में यार मैं फिर वही कहूँगा, उतना नहीं जम रहा है मामला। लेकिन अगर देखा जाए तो 200 करोड़ का इसका बजट है, उसके हिसाब से बेस्ट है। टीजर इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, बट ट्रेलर में एक बार के लिए बजट को देखकर कहें तो यस सेटिस्फैक्ट्री है, दमदार है, अमेजिंग है, वीएफएक्स अच्छा खासा है, बेस्ट एक्सीलेंट नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक है। हाँ, वीएफएक्स कैसा भी हो चल जाएगा, कैसा भी हो चल जाएगा, लेकिन हमको साहो मूवी की तरह वीएफएक्स बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मेकर्स इस चीज़ पे ध्यान दिए होंगे तो यस हमें साहो मूवी जैसे वीएफएक्स नहीं चाहिए, चलो उससे रद्दी चलेगा, लेकिन हमें उसके जैसे वीएफएक्स बिल्कुल नहीं चाहिए, जो सीधे पकड़ में आ जाए कि यार ये तो एक एनिमेशन चल रहा है, बट हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें मस्त चाहिए। अगर आप वीएफएक्स का कोई भी पार्ट दिखाते हैं
जबरदस्त दिखाएं, लेकिन वैसे VFX नहीं चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही चाहिए। तो यस, ट्रेलर बहुत दमदार है और मैं मूवी के लिए अब ट्रेलर देखकर काफी एक्साइटेड हूँ। मूवी का जब 20 अक्टूबर को आने वाली है मूवी, इसका बजट है 200 करोड़, कास्टिंग इज सुपर अमेजिंग। अमिताभ बच्चन का रोल बहुत ही प्यारा लग रहा है, गरीब नुक्कड़ बस्ती वाला जो एरा है वहां पर, उसके हिसाब से वो एक लीडर के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। जो उनकी तरफ से एक डायलॉग भी निकाला गया है कि जो हमारा गेम है उसको अमीरों की भनक लग गई, मतलब वही बैटल वाली बात चल रही है। और बैटल सिंगल कॉम्बैट हमें देखने को मिलने वाला है और ये जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। नीचे से हमारा हीरो फाइट करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा और वहां पर जो अमीरों की बैटल्स होगी वहां पर जाके अपने झंडा गाड़ के आएगा और वो जबरदस्त लगेगा। तो ट्रेलर दमदार है, अमेजिंग है, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। ट्रेलर दमदार है, सब कुछ अमेजिंग है, उसके हिसाब से देखकर लग रहा है कि यस 500 करोड़ इस मूवी के कहीं नहीं गए, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट का इसे फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आई डोंट नो ओवरसीज में कितना करके जाएगी, लेकिन हाँ साउथ में नहीं चलने वाली है। लियो अपना पूरा कब्जा जमाएगी साउथ में, उसकी अलग पागलपन चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ट्रेंडिंग नहीं चल रही है, पागलपन चल रहा है लियो मूवी के लिए। तो नॉर्थ बेल्ट का फुल सपोर्ट रहने वाला है और 500 करोड़ कहीं नहीं गए इस मूवी के। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के हिसाब से इस मूवी को कितना लाइफ टाइम कलेक्शन मिलने वाला है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।